सर आपसे Redmi Pad Pro के बारे में एक हेल्प चाहिए। मैडम क्या हेल्प चाहिए बताओ। सर Pad Pro मैंने मंगा लिया है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरा थोड़ा डाउट है। डाउट ये है कि ज्यादातर लोग 20 से 22 हजार की प्राइस पर इस टैब को बेस्ट बता रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये टैब इस प्राइस पर बेस्ट नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसकी पेंसिल अलग से परचेज करनी पड़ेगी, जिसका प्राइस 4000 रुपए है। तो अगर मैं उसका प्राइस भी इसमें ऐड कर दूं, तो ये टैब 24000 का पड़ेगा। अब यहाँ पॉइंट ये आता है कि हर महीने कोई ना कोई ऑफर आता रहता है, और उस ऑफर में सैमसंग का टैब S9 FE 20 से 22000 का मिलता है, और S9 FE Plus 24 से 25000 का मिल जाता है बैंक ऑफर लगाकर। जब टैब S9 FE और S9 FE Plus 20 से 25000 के मिल जाते हैं, तो ये टैब उनसे किसी भी पॉइंट में अच्छा नहीं है। मैम आपका पॉइंट सही है, अगर किसी स्टूडेंट को या प्रोफेशनल को सच में यूजफुल टैब चाहिए तो S9 FE सीरीज को ही बाय करे ऑफर में। लेकिन यहाँ पॉइंट ये है कि S9 FE सीरीज बैंक ऑफर लगाकर के 20-25000 रुपए की मिलेगी, नहीं तो इसकी प्राइस 30000 के ऊपर ही रहती है। वो पॉइंट तो है सर कि बिना कार्ड डिस्काउंट के ऑफर के भी S9 FE सीरीज की प्राइस 30000 के आसपास ही रहेगी। तो अब पॉइंट ये बचता है कि अगर किसी के पास कार्ड नहीं है, तो उसके लिए शायद ये टैब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ 24000 में टैब और पेंसिल दोनों मिल जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत इसके अनबॉक्सिंग से ही करते हैं। ये है Redmi Pad Pro का बॉक्स। बॉक्स पर ही इसमें काफी कुछ मेंशन है कि इस टैब में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे यहाँ डॉल्बी विजन और एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा। बॉक्स के अगर पीछे देखूं तो यहाँ 12.1 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ है। इसमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, और चार्जिंग के लिए यहाँ बॉक्स में ही 33 वॉट का अडेप्टर भी मिल जाएगा। अब अगर इस बॉक्स को ओपन करूं तो बॉक्स ओपन करने पर यहाँ टैबलेट है, जो कि मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया था इसको चेक करने के लिए। इसके अलावा यहाँ 33 वॉट का टाइप ए अडेप्टर मिल जाएगा, साथ में है टाइप ए टू टाइप सी डाटा केबल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, और ये है सिम कार्ड टूल। लेकिन ये 5G मॉडल नहीं है, वाईफाई मॉडल है, तो ये है माइक्रो एसडी कार्ड टूल। टैब का साइज काफी बड़ा है। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करूं, तो ये टैब कंप्लीट मेटल बॉडी से बना हुआ है, जो कि दिखने में काफी अच्छा लग रहा है, और यहाँ बैक में मैट फिनिश यूज किया गया है, तो यहाँ फिंगरप्रिंट की टेंशन भी नहीं रहेगी। इसका फ्रेम और डिस्प्ले दोनों का पार्ट अलग अलग है, सैमसंग के टैब की तरह नहीं, जहाँ डिस्प्ले फ्रेम के ही अंदर होती है। ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। अब अगर इसके फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं, तो यहाँ राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, एक माइक्रोफोन, यहाँ माइक्रो एसडी कार्ड ट्रे और एक और माइक्रोफोन मिल जाएगा। इसके टॉप पर देखें तो यहाँ पावर ऑन ऑफ बटन, और यहाँ डॉल्बी विजन और एटमॉस की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। इस टैब में क्वाड स्पीकर्स यूज किए गए हैं, जो दो इसके ऊपर है और दो इसके नीचे। यहाँ साइड में टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ 3.5 mm का हेडफोन जैक भी देखने को मिलेगा। वहीं इसकी लेफ्ट साइड एकदम प्लेन रखी गई है। इसके फ्रंट में 8 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा, और इसके बैक में भी 8 MP का रेयर कैमरा है, और साथ में यहाँ डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए एक फ्लैश भी दिया हुआ है। टैब का साइज काफी बड़ा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हैवी फील नहीं हो रहा। इसका वेट लगभग 517 ग्राम है। दोनों हाथों से यूज करने पर कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन अगर एक हाथ से यूज करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। टैब का सेटअप मैंने कर लिया है, और सेटअप के बाद जो सबसे पहली चीज दिखाई देती है वो है इसकी डिस्प्ले। ये 12.1 इंच की LCD डिस्प्ले है। डिस्प्ले काफी ब्राइट है, जहां कलर्स और शार्पनेस काफी अच्छे लग रहे हैं। बेजल्स भी चारों साइड से सेम है, तो स्क्रीन बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं लगेगी, और काफी बड़ी डिस्प्ले है, तो कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ अच्छा रहेगा। यहाँ मैंने YouTube पर एक चीज नोटिस की कि यहाँ सिर्फ 4K 60fps तक का ही वीडियो देख सकते हैं, यहाँ HDR का YouTube पर सपोर्ट नहीं है। यहाँ Netflix पर भी Dolby Vision का सपोर्ट मिलेगा, और Wide L1 का भी, तो Netflix जैसे ऐप पर भी Dolby Vision का कंटेंट देखा जा सकता है। मैंने यहाँ Netflix, Amazon Prime और YouTube पर काफी वीडियोस देखे, जिसकी क्वालिटी अच्छी लगी, कलर्स भी अच्छे हैं, और डिस्प्ले भी काफी ब्राइट है। तो ओवरऑल डिस्प्ले से किसी को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अब कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए यहाँ साउंड क्वालिटी भी अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ इस टैब में क्वाड स्पीकर्स यूज किए गए हैं, और इनकी साउंड काफी लाउड एंड क्लियर है। बाकी आप इस साउंड्स को सुनकर थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। हुसन तेरा तौबा, 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 तौबा।
ये टैब 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो यहाँ एप्स ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही स्मूथ है और अभी तक के यूज के हिसाब से मुझे भी ये टैब स्मूथ फील हो रहा है। टैब को बाय करने के दो रीजंस होते हैं, एक तो स्टडी और दूसरा मल्टीमीडिया कंजम्पशन। तो मल्टीमीडिया के लिए यहाँ बड़ी डिस्प्ले दी गई है और क्वाड स्पीकर्स हैं, तो उस पॉइंट से ये टैब काफी अच्छा रहेगा। अब अगर स्टडी के लिए ये टैब बाय करते हैं तो यहाँ न्यूज रीडिंग करना हो, बुक रीड करना हो या फिर नोट्स राइट करना हो, सब कुछ यहाँ कंफर्टेबल रहेगा इसके डिस्प्ले साइज की वजह से। इतनी बड़ी डिस्प्ले पर अगर कुछ भी राइट करेंगे तो बिल्कुल नोटबुक और पेन वाली फीलिंग आएगी। नोट राइटिंग के लिए इसका स्मार्ट पेन अलग से परचेस करना पड़ेगा, जो कि इसकी वेबसाइट पर इजीली अवेलेबल है। बाकी इसका स्मार्ट कीबोर्ड भी आता है, जिससे इसे अटैच करके थोड़ी बहुत लैपटॉप वाली फीलिंग तो ले सकते हैं। कीबोर्ड अटैच करके यहाँ प्रोफेशनल यूजर्स माइक्रोसॉफ्ट 365 डाउनलोड करके इसमें माइक्रोसॉफ्ट के सारे एप्स यूज कर सकते हैं। तो अगर स्मार्ट कीबोर्ड और पेन भी साथ में परचेस कर लिया जाए, फिर चाहे स्टूडेंट हो या फिर प्रोफेशनल यूजर, यहाँ एक्सपीरियंस अच्छा ही मिलेगा। अब अगर इसके सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो यहाँ Xiaomi का HyperOS मिल जाता है, जो कि Android 14 पर बेस्ड है। इस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है। फिलहाल इस टैब को 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलेंगे, तो इस टैब को आराम से 2-3 साल तो यूज कर ही सकते हैं। अब अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 यूज किया गया है, जो कि एक अच्छा प्रोसेसर है। थोड़ी बहुत एडिटिंग ये टैब इजीली हैंडल कर लेगा और अगर आप गेमर हैं तो यहाँ गेमिंग भी इजीली हो जाएगी, जो कि नॉर्मल सेटिंग पर आप कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस से भी इस टैब से किसी को कोई इशू नहीं होगा। अब अगर बैटरी की बात करूं तो यहाँ 10,000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है और 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और एडाप्टर तो बॉक्स में ही मिल जाता है। मैंने अभी इसे इतना यूज तो नहीं किया कि एग्जैक्ट स्क्रीन ऑन टाइम बता पाऊं, बट नॉर्मल यूज पर यहाँ 7 से 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम और हैवी यूज पर 6 से 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो आराम से मिल जाना चाहिए। बाकी आपके यूज पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे यूज करते हैं। इसे फुल चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे का टाइम लग सकता है। अब अगर कैमरा की बात करूं तो यहाँ बैक में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जिससे मैंने कुछ फोटोज क्लिक किए हैं, उनकी क्वालिटीज आप देख सकते हैं। फ्रंट में भी 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, जो कि हॉरिजॉन्टल शेप में दिया गया है, जिससे ऑनलाइन क्लास हो या फिर ऑनलाइन मीटिंग ये काफी कंफर्टेबल रहेगा और इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल कैमरा क्वालिटी ठीक है। मैंने ये Amazon से 6GB रैम 128GB वाईफाई मॉडल 20,000 में परचेस किया HDFC क्रेडिट कार्ड ऑफर लगाकर। यहाँ 5G वेरिएंट भी अवेलेबल है, जिसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, 8/128 और 8/256GB। अब अगर इसका मैं फाइनल कंक्लूजन करूं तो जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस किया था कि अगर 24,000 रुपए तक आपको टैब S9 FE या फिर S9 FE Plus मिल जाए तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि सैमसंग का S Pen भी अच्छा है, उसके नोट ऐप में बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, साथ में डेक्स मोड का भी फीचर मिल जाता है। वहां इस टैब से भी अच्छी बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी, लगभग सेम पावर वाला प्रोसेसर मिल जाएगा और बेटर UI भी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई कार्ड नहीं है और आप एक बड़ी डिस्प्ले का टैब बाय करना चाहते हैं, वो भी पेंसिल के साथ, तो ये टैब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है एंड्रॉइड टैबलेट्स में। मुझे ये टैबलेट अब सेल भी करना है, तो जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या फिर Instagram और Twitter पर मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।